गुरु की वाणी, शिष्य शिष्य की जुबानी। आज हम एक ऐसे विषय में बात करेंगे जो कि हर घर में अवश्य होना चाहिए और हर घर में ये जो चीज है इसको लाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कुबेर यंत्र की। कुबेर यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिससे हमारे घर में धन और पैसों से कभी कमी नहीं आती। तो हमें हमारे घर में कुबेर यंत्र की पूजा अर्चना अर्थात उसकी जो विधि है वो हमें अवश्य करनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्या उपाय है, हमें किस तरीके से विधि करनी चाहिए अर्थात किस तरीके से सुबह पूजा करनी चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। तो हमें बाजार से कुबेर यंत्र की जो छोटी सी मूर्ति के जैसा कुबेर यंत्र बना हुआ होता है उस तरीके का आपको कुबेर यंत्र घर में लाना है। और वो लाने के बाद एक तांबे की प्लेट होती है, जैसे कटोरी जैसी प्लेट होती है, उस प्लेट के अंदर वो रख देना है और उसकी गंगा जल अर्थात शुद्ध जल हो उससे हर रोज, ये आपको नियम बनाना है, आपको रोज उसकी पूजा करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा जल लेके उसको स्नान करवाना है और स्नान करवाने के बाद में चंदन अर्थात कुमकुम की टिक्की लगानी है और दो फूल उनके समक्ष रख देने हैं। अगर मिठाई मिलती है तो अच्छी बात है, अगर मिठाई नहीं है तो कोई बात नहीं, एक चम्मच शक्कर ही आप चढ़ा सकते हो अर्थात चॉकलेट है, कुछ भी ऐसी जो चीज है, जो मीठी चीजें होती है, मीठी मिठाइयां होती है वो आप रख सकते हो, गुड़ भी रख सकते हो, गुड़ सबसे अच्छा माना गया है। तो हमें ये कार्य अवश्य करना चाहिए और रोज करना चाहिए ताकि इससे हमारे घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है और महालक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। पूजा करने के बाद में यह प्लेट जो है उसे भगवान के मंदिर, आपका जहां पर इष्ट का मंदिर होता है, देवताओं का मंदिर होता है, उस मंदिर में आपको रख देनी है और उसमें जो स्नान करवाया हुआ पानी होता है उसके घर में हर जगह पर जो हमारे घर के कॉर्नर होते हैं कॉर्नर में अवश्य छींटे लगाने चाहिए। कॉर्नर में छींटे लगाने का महत्व ये होता है कि एक कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो होती है, जब हम घर में धूप बत्ती अर्थात दिया पूजा करते हैं तब क्या होता है कि कुछ ऐसी ऊर्जा जो होती है तो वो कॉर्नर में छुप जाती है, तब देवी देवताओं का जब दीपक लगता है या धूप बत्ती लगती है तब तक तो वो बाहर नहीं निकलती, उसके पश्चात वो बाहर निकल जाती है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम स्नान करवाते हैं देवी देवताओं का अर्थात घर में पूजा करते हैं तो जो कॉर्नर होते हैं उसमें अवश्य गंगा जल आपको छिड़कना चाहिए। तो वो पानी जो होता है वो घर में आप छिड़क सकते हो, बच्चों को प्रसाद रूप में भी बांट सकते हो। तो इससे हमारे दिमाग में भी, हमारे शरीर में भी रोगों का निवारण हो जाएगा और हर चीज में आपकी सहायता होती है। और दूसरा है कि कुबेर यंत्र, कुबेर यंत्र जब आप स्थापित करते हो तो उस प्लेट के अंदर रोज का 1 रुपए का सिक्का अवश्य डाले, पूजा करने के बाद में 1 रुपए का सिक्का अवश्य रखे। और जैसे ही 10 दिन 15 दिन 1 महीना हो जाता है, 1 महीना बीत जाता है, उसके बाद में जो 1-1 रुपए का सिक्का डाला है तो 30 से 40 रुपए बनते हैं। तो उसके जो वो पैसे होते हैं वो पैसे आपको क्या करना है, उसकी चॉकलेटें लानी है और छोटे बच्चों में आपको बांट देनी है। उससे क्या होता है कि जो प्रसादी जो पैसा है वो हमने पूजा करने के बाद में रखा हुआ है वो बच्चों में बटेगा, चॉकलेटें हम देते या कुछ भी ऐसा चीज ला के देते तो उससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो हमें ये कार्य सब जो है वो अवश्य करने चाहिए। और कुबेर यंत्र जो होता है वो आपको नहीं मिलता है, कई बाजार में नहीं मिल रहा है तो क्या लाए, तो एक तांबे की प्लेट होती है उसके ऊपर नक्शी काम से भी बनाया गया है, मतलब नक्शी करके भी उसके ऊपर डिजाइन करके उसमें बनाया हुआ होता है वो मिलता है। यंत्र जो होता है, यंत्र बना हुआ होता है, वो यंत्र कुबेर यंत्र मिलता है तो भी अच्छी बात है, मगर आप कोशिश करिए कि कुबेर यंत्र मिलता है तो ठीक है, मगर नहीं मिलता है जो उसकी जो प्रतिमा होती है, वो प्रतिमा मूर्ति जैसा होता है वो अगर नहीं मिलता है तो ही कुबेर यंत्र आप ला सकते हो, वरना वो मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर जो उसके जो ढलान होते हैं, स्टेप होते हैं,
उससे हमें बहुत फायदा होता है, क्योंकि कुबेर यंत्र जैसे नीचे से लेकर ऊपर तक त्रिकोण में बना हुआ होता है, मतलब उसके ऊपर जब भी आप पूजा अर्चना करते हो तो आपको वैसे सीढ़ियां जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं उस तरीके आपका जो भी कार्य है वो सफल होता जाएगा और आप भी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे। तो ये आपको कार्य अवश्य करना है। और कुबेर यंत्र जब हमारे घर में, पैसे तो ठीक है, पैसे तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, मगर धन जो जैसे सोना हुआ चांदी हुआ, अर्थात कोई जमीन ले लिया, कोई जायदाद ले ली, ऐसे कामों में भी आपको फायदा मिलेगा। और आप हर कार्य करने जाते हो तो उस कार्य में आपको बड़ा से बड़ा लाभ मिल सकता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर से सुबह व्यापार अर्थात नौकरी धंधा व्यापार पे निकलते हैं, तो वो सबसे बड़ी भूल करते हैं। भूल क्या होती है, जब सुबह लेट उठते हैं तो लेट उठने के वजह से उनको कहीं पर जानना होता तो वहां पर वो लेट हो जाते हैं। तो क्या करते हैं कि कोई घर की औरतें हैं वो बोलती है आप नाश्ता करके जाइए, नहीं नहीं मुझे नाश्ता नहीं करना है, मैं वैसे ही चला जाऊंगा। तो कभी भी अनाज का भी अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह एक रोटी अर्थात थोड़ा बहुत नाश्ता करके जाना चाहिए, क्योंकि वो एक सुकून होता है। घर से बाहर निकलते तो ये सबसे बड़ा अच्छा सुकून माना गया है, इससे हमें बहुत हमारे हर कार्य में जो सफलता मिल जाती है हमें। और ये सबसे बड़ा ध्यान रखना। और कभी ऐसा रहे कि घर में एक आधी रोटी पड़ी हो तो वो भी सुबह आप लेके जाओ, साथ में रस्ते में गाय दिखे तो गाय को आप डाल दो, ये भी सबसे बड़ा कार्य होता है। हमें हमारे जीवन के अंदर पैसे कमाने का उद्देश्य ही नहीं रखना चाहिए, अर्थात जो भी आप समझ लो कि मैं पैसे कमाता हूँ, धन दौलत जो भी आप कमाना चाहते हो, उसके साथ साथ में पुण्य भी आवश्यक है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि पुण्य एक ऐसी सीढ़ी है जो हर चीज में कामयाबी आपको दिलाती है। क्योंकि हम भगवान से तो बड़े नहीं, हम इंसान हैं, और हमसे कहीं ना कहीं ऐसी भूल जो है वो हो जाती है, जिससे ऐसी गलतियां हो जाए, छोटा मोटा पाप भी हमसे हो जाता है, तो उसका जो जिसका जो पुण्य करने का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं हमें उस जो गलतियां होती है वो माफ हो जाती है हमारी। पुण्य सबसे बड़ा जो होता है वो कार्य करता है हमारे जीवन के अंदर, तो हमें ये कार्य अवश्य करना चाहिए ताकि हमें हर जगह से हर मुसीबतों से हम बचे रहे। और हम पर कभी आफत भी आती है तो हमने जितना पुण्य किया रहेगा वो भी टल जाती है। कभी कभी हम कहते हैं मैं थोड़ा सा बच गया वरना मुझे ये लग जाता, या मेरे साथ ये घटना घट जाती, तो वो घटते घटते रह गई, इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं आपने जो पुण्य किया है उसका आपको फायदा हुआ है। तो हमें ये कार्य रोज करना चाहिए। घर में वैसे भी बनती है रोटियां, तो एक आधी रोटी एक ज्यादा ही बनती है, तो एक रोटी हम सुबह घर से निकलते समय गाय को खिलाते हैं तो उसमें हमें कोई ऐसा कोई वो नहीं होने वाला है, मगर ये आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो नौकरी करते हैं उनको तो जरूरी करना चाहिए, उनको तो जरूरी है, ये बात समझ लीजिए, उनको तो अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर से लौटते हैं, तो वो जो घर से निकलना और शाम को घर लौटना उसके बीच का जो अंतर होता है उसमें कई सारी कठिनाइयां है जो हमारे जीवन में आती रहती है, तो इससे हम बचते हैं। तो ये कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। और जो कुबेर यंत्र का हमने उपाय बताया है वो उपाय भी आप अवश्य कीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और किसी को, किसी के परिवार में, किसी के यार दोस्तों में आप शेयर करते हो तो उनको भी इस उपाय का लाभ मिल सके। जय गुरुदेव।